आज निश्चित तौर पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो मेरे बेरेपुर विधानसभा की जगह है। आज राज्य को राज्य से लड़ाकर, धर्म को धर्म से लड़ाकर, जाति को जाति से लड़ाकर हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान पर विजय पाएंगे। विजय वो जरूर पा लेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की तरक्की को बर्बाद कर वो विजय पाएंगे। ये बात हम लोग सबको समझने की जरूरत है। 1932 की बात आती है आज, और 1932 में आग लगाने का काम और लोगों को आपस में भिड़ाने का काम कोई और नहीं कर रहा है, यही बीजेपी वाले कर रहे हैं, यही आंसू वाले कर रहे हैं जिन्होंने 1985 लागू किया, और यही के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने तत्कालीन मंत्री रहते हुए 1985 में साइन किया। और आज 1932 की बात करके वो हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मैं एक बिहार राज्य से आता हूँ, मेरी पैदाइश बोकारो में हुई है, और मैं गर्व से कहता हूँ कि जो झारखंड में पैदा हुआ है वो झारखंडी है। लेकिन मैं 1932 का भी विरोध नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता ये बात समझने की जरूरत है। आज के समय में लोगों को भड़काया जा रहा है, जो बिहार से लोग आए हैं उन्हें भड़काया जा रहा है, जो यूपी से लोग आए हैं उन्हें भड़काया जा रहा है। भैया ये पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं, इन लोग भी हिंदुस्तान के निवासी हैं, और इन लोग के पूर्वजों ने भी हिंदुस्तान के आजादी में अपना बलिदान दिया। लेकिन 32 का विरोध हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? और पूर्व में भी मैंने बोला कि 32 लागू होना चाहिए, क्योंकि स्थानीयता के आधार पर मूलवासी आदिवासी को अपना कास्ट रिलीजन लिखने का अधिकार मिलना चाहिए। आज पंडित अपने कास्ट के आगे पंडित लिखता है, राजपूत अपने कास्ट के आगे राजपूत लिखता है, कायस्थ अपने कास्ट के आगे कायस्थ लिखता है, तो एक आदिवासी अपने नाम के आगे आदिवासी क्यों नहीं लिख सकता है? इसका परिभाषित करता है 1932। जो झारखंड में पैदा हुआ वो नियोजन में आते हैं, उनको नियोजन में हेमंत सोरेन जी भी मानते हैं। इससे ये थोड़ी होता है कि 1932 लागू होने से बाद बाकी को नियोजन नहीं मिलेगा। इससे ये थोड़ी साबित होता है कि जो बिहार झारखंड से 50-60 साल 70 साल पहले हमारे पूर्वज आके बैठ गए उनके लोगों को हम 1932 होने के बाद बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आज अलग राज्य से आके हमारी बहुएं भी यहाँ की विधायक है, 1932 में तो वो भी नहीं आएंगे, तो क्या 1932 लागू नहीं किया जाएगा? आदरणीय सीता सोरेन जी 1932 में नहीं आएंगी, लेकिन वो विधायक है। आज बात को समझना चाहिए कि 1932 लागू होने से किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं है। हाँ, जरूरी है कि झारखंड में हो या हिंदुस्तान में हो, जो भी जाति है, जो भी धर्म है, उसको सम्मान स्थिति के रूप में एक अच्छा वातावरण और उसका जो हक है वो मिलना चाहिए। आज जब हम सब मिलके यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज ये भी बनता है कि झारखंड में रहने वाले मूलवासी आदिवासी भाई जो जंगल में रह रहे थे वर्षों से, उनको भी उनके नाम के आगे आदिवासी लिखने का हक प्राप्त हो। इस पे भी हम लोग को गौर करना चाहिए, किसी के भड़काने में मत आइए और आपस में लड़ने का काम मत करिए। सोमवार के माध्यम से याद से नहीं, 22 साल तो मुझे हो गया बेरमो में आए हुए अपनी शिक्षा खत्म करने के बाद, और निश्चित तौर पर हम लोग ने ये देखा है, चाहे रामदास बाबू हो, चाहे सभी खान जी हो, चाहे रमाधार बाबू हो, चाहे मुरारी पांडे जी हो, चाहे पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी हो, चाहे राजेंद्र बाबू हो, कभी बेरमो को आपस में लड़ने नहीं दिया उन्होंने, कभी बेरमो में दंगा नहीं हुआ, कभी बेरमो में लड़ाई नहीं हुई। उस समय हम जाति के नाम पर नहीं लड़े, धर्म के नाम पर नहीं लड़े, तो आज हम 32 के नाम पर और 85 के नाम पर क्यों लड़े?
अगर सद्भावना के प्रति हमारी जिम्मेवारी बनती है तो हमारी जिम्मेवारी झारखंड में रहने वाले उन लोगों के भी प्रति बनती है जिन्होंने आंदोलन करके झारखंड दिलाने का काम किया। कुछ लोग बोलते होंगे कि भाई अनुप सिंह भी 32 के विरोधी हैं। अगर अनुप सिंह 32 के विरोधी होते हैं तो उनके पिता मंत्री रहते हुए बिहार में मंत्री रहते हुए बिहार की मंत्रिमंडल के सदस्य छोड़कर मार्शल आउट होके झारखंड बनाने में नहीं आते। ये बात को समझना हो। और चुनाव जीतना चुनाव हारना ये ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में। ये मेरा कर्म बताएगा कि मैं आगे चुनाव जीतूंगा कि नहीं, और वो आपका प्यार बताएगा और आपका जो जानकारी रहेगा मेरे प्रति, जो मेरे कार्य किए होंगे वो बताएगा कि मैं चुनाव जीतूंगा कि नहीं। लेकिन जितना समय आपको मिला है उस समय में अपने कार्य को पूरा करके लोगों के बीच में जगह बनाने का काम करें, वही आपकी सबसे बड़ी चीज होगी। और शायद मेरे पास जितना समय है मैं उस समय के अनुसार अपना काम कर रहा हूँ। जितनी योजनाओं को धरातल पर ला सकता हूँ वो धरातल पर लाने का काम कर रहा हूँ और आगे भी करते रहूंगा। और चाहे चुनाव हारा हूँ या जीता हूँ, मेरे परिवार के तरफ से मैं बोलना चाह रहा हूँ, चाहे हम चुनाव हारे या जीते, राजेंद्र बाबू भी 10 साल चुनाव हारे लेकिन देर को छोड़कर नहीं गए, अनुप सिंह भी आगे जाके चुनाव हारेगा या जीतेगा लेकिन बेरमो छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि बेरमो मेरा कर्म भूमि है, बेरमो मेरा जन्म भूमि है। और इस अधिकार को कोई भी एक दूसरे से नहीं छीन सकता। उसी तरह बच्चे से आदिवासियों का हक है, उन्हें मिलना चाहिए। आज जब हम इतने प्यार वातावरण में रहते हैं, छत्तीसगढ़ से लोग यहाँ पे रहते हैं, उड़ीसा से लोग यहाँ पे रहते हैं, बंगाल से लोग यहाँ पे रहते हैं, बिहार से रहते हैं, यूपी से रहते हैं, तो ये देन हमारे पूर्वजों का है जिन्होंने इतना अच्छा बेरमो बनाया। इस बेरमो को कोई धर्म के आधार पर, कोई जाति के आधार पर और कोई 32 और 85 के आधार पर बांट नहीं पाएगा। और जिसकी जो आवश्यकता होगी हम सब मिलकर उसमें उसका सहयोग करेंगे, उसमें उसकी सहायता करेंगे, सब जाकर एक कुशल झारखंड हम दे पाएंगे। आज जिस तरीके से हम परमवीर अब्दुल हमीद जी की शहादत दिवस मना रहे हैं, लोगों को समझना होगा ये वही परमवीर अब्दुल हमीद जी हैं जिन्होंने अपनी शहादत देके एक मुसलमान होने का परिचय नहीं दिया था, एक हिंदुस्तानी होने का परिचय दिया था। और राजपूत पंडित भूमियार मुसलमान होने में बहुत फर्क है और एक हिंदुस्तानी होने में बहुत फर्क है, ये बात हम लोगों को समझना होगा। आप लोग तमाम लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और खासतौर से सोमुआ संगठन को और सुबोध सिंह पवार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि संगठन भावना से ऊपर उठकर, जाति भावना से ऊपर उठकर, धर्म भावना से ऊपर उठकर हम लोग ये शहादत दिवस को मनाते हैं। और ये साबित करता है कि हमारे पूर्वजों ने हमें क्या संस्कार देकर बेरमो में हम लोग को स्थापित करने का काम किया। तहे दिल से एक बार फिर से मैं परमवीर अब्दुल हमीद जी को नमन करता हूँ, माफी मांगता हूँ। मैं तो चाहता था कि हमारे गार्जियन लोग का यहाँ पे वक्तव्य सुनूं। जेतानंद दुबे जी बैठे हुए हैं, काशीनाथ जी बैठे हुए हैं, आपको गिरिजा शंकर पांडे जी बैठे हुए, कलाम साहब बैठे हुए हैं, अरवर जी बैठे हुए, लेकिन मुझे पहले बोलना पड़ा, उसके लिए तहे दिल से उनके प्रति हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। लेकिन मेरा कार्यक्रम बहुत ज्यादा है और समय कम है, इसीलिए आप लोग से एक बार फिर से यही विनती और यही आग्रह करके जाता हूं कि झारखंड हो या हिंदुस्तान हो, उसको जाति धर्म या राज्य के नाम पर मत बांटिए, लेकिन जो जिसका हक है वो दिलाने के लिए उसका साथ जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।